या कॉफी? कुछ भी पिला दो यार। तुम्हारे हाथ से तो जहर भी पी लेंगे जान। अच्छा, मतलब मैं इतना बकवास बनाती हूँ कि तुम्हें जहर लगती है? मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अबे पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी कहा मैंने। अच्छा कॉफी पी लूंगा, मगर ब्लैक। ओके। सो फाइनली क्या बात हुई? बस क्या बात, वही पुरानी लॉलीपॉप जो हमेशा देता है। थैंक यू बेबी। आर यू डाउटिंग ऑन माय कमिटमेंट? तुम जानती हो मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करते हो तो इजहार क्यों नहीं करते हो? 3 साल से हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन जब भी कमिटमेंट की बात करो तुम बदल जाते हो। बेबी इतना आसान नहीं है यार, पहले मॉम डैड को मनाना पड़ेगा। यहाँ करियर काम का कुछ ज्यादा पता नहीं है, ऊपर से शादी का बोल दो, बैंड बजा देंगे मेरी, पता है तुम्हें। तो पहले करियर फिर शादी। माँ बाप की प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है, मैं लड़की हूँ और आपसे कहीं ज्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं। मैं हैंडल करती हूँ ना, जब भी उनका कॉल आता है मुझे वीडियो कॉल के लिए सौम्य को बुलाना पड़ता है। ये तो है, इन लड़कों को घंटा समझ में नहीं आएगा कि हम लड़कियां क्या झेलती हैं। हाँ, और कमिटमेंट की बात करो तो बस बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ? यार पिछले 3 साल से ना तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रहा हूँ मैं। और यार रही ये शादी की बात, तो कर लेंगे साल भर में शादी, उसमें क्या है। 1 साल बाद कर लेना शादी, लेकिन मैं एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ, वो तो कर सकते हो ना। सैंडी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है, एक ही जगह पे सुई अटक गई तुम्हारी। यार शादी एंगेजमेंट क्या हो रहा है सब? एक्चुअली ना मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में यार, आई एम जस्ट गोइंग। अरे सुनो तो, फक यू। साल से रिश्ता निभा रहा है और जब शादी की बात करो तो भड़क के झगड़ के भाग जाता है। ओके आई अंडरस्टैंड कि तुम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हो, लेकिन है तो वो साला लड़का ही, और लड़के की जात कितनी हरामी होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, तू नहीं समझेगी। और ऐसे भैंचोद लड़के तो अपनी जेब में 3-3 छल्ले लेके घूमते हैं, जो जहां मिली वहीं उसको पकड़ा दिया, और यू नेवर नो कि वो दाल तेरे साथ खा रहा हो और शादी के वादे किसी शाही पनीर वाले के साथ कर रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि तू और मैं गलत हो और करण सही। 3 साल तेरे साथ टाइम पास करने के बाद, आई मीन तेरी लेने के बाद, 4th साल तुझसे शादी कर ले। काहे का सही, फ्यूचर की बात करो तो कोई ना कोई बहाना करके झगड़ा करके भाग जाता है, और अब भी देख लो रात से उसका फोन ऑफ है। हंस रही हो? I'm so sorry. जब तक देती रहेगी तब तक ऐसे ही फोन स्विच ऑफ रहेगा, और जब उसको लेनी होगी तो उसका फोन भी ऑन होगा और तेरे पीछे कुत्ते की तरह दो मिलाता हुआ आएगा, देख लियो। ले आगे फोन। उसका फोन नहीं है। हेलो सैंडी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये मुंबई है, मुंबई या घर बैठने आई हो क्या? सो सॉरी अजय, तुम्हारा कॉल मिस हो गया। अरे सॉरी गई तेल लेने, सुनो चोपड़ा जी का फोन आया था। तुम पहली लड़की हो जो उनको मना कर दिया है। अरे चोपड़ा जी हर साल हिट फिल्में देते हैं भाई, हैं? और तुमने जो फिल्म छोड़ी वो सुमन ने पकड़ ली। अब देखो पूरे शहर में उसके होर्डिंग्स लगे हैं। मीडिया कह रही है कि शी इज द न्यू सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड। और हाँ, अगले 2 साल तक वो हाथ नहीं आने वाली है। और मेरी बात सुनो सैंडी। देखो चोपड़ा जी शोमैन है, शोमैन जानती हो? कितनों की लाइफ बना दी है उन्होंने। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये मौका हाथ से मत जाने दो। अंडरस्टैंड? देखो अगर कुछ हो सकता है तो मुझे फोन करना। मैं सामने से फोन करने वाला नहीं। लास्ट चांस है सैंडी। आगे की कहानी बस दो ही लोग जानते हैं, एक मेकर्स और दूसरे सब्सक्राइबर्स। तो डाउनलोड करें लड्डू फ्लिक्स ऐप।